वैसे उर्गुप क्यों जा रही हो? फिकरत और जाकिर उन दोनों का मुआहदा हुआ है, इसलिए सिरमा की जिंदगी बचाने के लिए, वरना जाकिर मार देगा उसे। सिरमा की फिकरत को इतनी फिक्र क्यों हो रही है? उसने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था सिरमा की जिंदगी बचाने के लिए। और फिकरत ने मान लिया? यहाँ जाकिर बहुत जुल्म करता था सिरमा पर, उसके जुल्म से बचाने के लिए उर्गुप जाने का फैसला किया। सिरमा के साथ साथ हमारा भी यहाँ से चले जाना बेहतर है। उन्होंने प्रॉपर्टी भी जाकिर के नाम कर दी है। तो फिकरत राजी हो गया है क्या सब कुछ जाकिर को देने के लिए? वैसे हर किसी में इतना हौसला नहीं होता है। बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे नाम पर कंपनी है, अभी पता चला मुझे तुम्हारे सामने। चलो ठीक है, शुरू करो, खाना खाओ। मेरा दिल नहीं जा रहा। बहुत अच्छा वक्त गुजरा, थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। चलती हूँ। ख्याल रखना अपना। आप मेरा इंतजार कर रही थी क्या? और किसका करूंगी मैं, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? लेकिन देर तो नहीं हुई है। अच्छा, वाकई सुबह से शाम हो गई और तुम कह रही हो देर नहीं हुई। लगता है तुम्हें वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, वो मैं करीब ही मॉल चली गई थी अम्मी। देखो इधर, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोलना कभी, तुम समझी? आइंदा ऐसा मत करना। अब जल्दी चलो अंदर। भाई कहाँ है? आई नहीं अभी तक। अभी नहीं आया। खुशकिस्मती है तुम्हारी रोएदा, कह रहा था आज नहीं आएगा, वो वहीं रुकेगा। अब चलो अंदर जाओ। तुम क्या ऐसे देख रहे हो? सबके सब तंग कर रहे हैं। सिरमा साहिबा, हमने सारे काम भी कर लिए हैं और सारी पैकिंग भी कर ली है, बस विकृत साहब और जोरा साहिबा का इंतजार हो रहा है, वो लोग अब तक वापस नहीं आए। हमने उनकी भी पैकिंग कर दी है। हम कब जा रहे हैं? पता नहीं, विकृत साहब ने कुछ नहीं बताया मुझे। एक दफा आके आप सारा सामान देख लेंगी? अभी नहीं, बाद में देखूंगी। अम्मी जान आ जाओ। मेरा प्यारा बेटा, ओह मेरा प्यारा बच्चा। जाने की तैयारी? हाँ हाँ बिल्कुल।
अम्मी जाने की वजह से परेशान है। मैं जहां भी रहूं फिक्र तो होगी तुम्हारी, चाहे वो तुम हो या फिर गुनेश क्यों ना हो। मेरी प्यारी अम्मी, अब बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आता जाता रहूंगा। लेकिन मुझे गुनेश का नहीं पता। क्या तुम्हें पता है कल गुनेश की बर्थडे है? वाकई? क्या उसे अपनी बर्थडे का पता है? मालूम नहीं। बाबा आ गए हैं क्या? नहीं, अभी नहीं आए। दादा और जोहरा भी नहीं आए। ठीक है, चले मैं चेंज कर लूं। ठीक है, जाओ बेटा। आता हूं। माजर चाहता हूँ तकलीफ दी आपको। कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका, लुत्फ उठाइए। आपकी सईद से कोई बात हुई है क्या? कोई खबर उसकी? हाँ बेटा, बात हुई थी मेरी। हाँ, फिर क्या बताया उसने? फिकरत साहब कैसे हैं आप? वो आज रात हॉस्पिटल में ही रुकेंगे, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है उनकी। सईद अभी तक हॉस्पिटल में ही है, आएगा नहीं आज? हाँ, वो घर चला गया होगा। हाँ चले मैं उसे खुद ही कॉल करती हूँ। देर हो गई है गणेश, शायद सो भी गया अब तक। नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई है। फोन उठा सकते हो तुम? जरूरी नहीं। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मेरे कंधे पे सर रख। मैंने कहा था ना कि वो सो गया होगा। एक जरूरी कॉल आई है, जरा बात कर लेता हूं मैं। हेलो आदिल, आई होप कि मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कल गुनेश का बर्थडे है। क्या वाकई? अरे यार, गुनेश को पता है क्या? मुझे नहीं पता, पूछूं क्या? हाँ प्लीज पूछ लो जरा, उसके बाद मुझे कॉल करना। ठीक है? ठीक है। एक दोस्त की कॉल आई थी। यार वैसे एक बात जहन में आई है। वैसे तुम अभी बिजी तो नहीं हो ना गुनेश? मेरा मतलब हम बात कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है। वैसे मेरी बर्थडे तकरीबन 2 महीने बाद आने वाली है, और तुम्हारी बर्थडे कब है? मेरी 3 महीने बाद आएगी। अच्छा वाकई? जहां तक मेरा ख्याल है तुम हिसाब रखने में 1 महीने की गलती कर गई। चले मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा।
हेलो आदिल, तुमने उससे पूछा क्या? तुमने सही कहा था, उसे नहीं पता कि उसका बर्थडे है। आदिल, मैंने गुनेश को बर्थडे का सरप्राइज देना है। कैसा सरप्राइज? क्यों ना हम एक साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करें। आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन पता नहीं गुनेश मानेगी या नहीं। सिर्फ मैं एक काम करूँ, तुम पार्टी के अरेंजमेंट कर लो, गुनेश को मैं ले आऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, शुक्रिया। ठीक है फिर, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, बाय बाय। आदिल साहब, हेलो। अब ये मुसीबत कहां से आ गई? हेलो आदिल साहब। शुक्रिया। कितनी खूबसूरत शाम है ना आज रात। आपको ऐसी ठंडी शाम पसंद है क्या? मुझे तो बहुत पसंद है। पता नहीं, आज तक गौर नहीं किया कि अच्छी शाम किसे कहते हैं शरीफा साहिबा। इब्राहिम साहब चले गए हैं। मैं ये बात जानता हूँ। मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना वॉक ही कर लूं थोड़ा सा आसपास। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। वो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर वॉक करते? क्या? वैसे अभी तो बहुत रात हो गई है, तो आप अकेले ही वॉक करने तो अच्छा है। आप घर में ही करने वॉक, कंफर्टेबल रहें। मुझे भी बहुत सारे काम हैं, तो मैं जरा वो काम निपटा लूं। गुड नाइट। गुड नाइट। शुक्रिया। खड़ूस कहीं का, अच्छी खासी लाइन दे रही थी मैं इसे। बदकिस्मत है बेचारा कहीं का। जोहरा, हाँ, डरो नहीं, मैं हूँ। तुम यहाँ क्यों सो गई? अंदर जगह थी ना? अभी आंख लगी मेरी बस। जब बाहर कहाँ है और तुम घर क्यों नहीं गई? उसे घर जाने को कह दिया था, मैं यहीं रुक गई। शायद वो ना गया हो, यहीं हो। जब्बार, कहाँ हो तुम? अंदर आओ। चलो अब हम घर चलते हैं। ठीक है? ठीक हूं मैं। फिकरत साहब। साहब मत कहा करो मुझे, तुम मेरी बीवी हो, नाम लिया करो मेरा। फिकरत। हाँ बेगम। आपने मुझे क्यों कंपनी वगैरह में शामिल किया? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मैं इस बारे में नहीं जानता, बस कोई प्रॉब्लम हुई तो वकील तो है ना। लेकिन क्यों किया ऐसा? अभी तुम समझ नहीं सकोगी, गुजरते वक्त के साथ सब समझ जाओगी, फिक्र मत करो। देख, आप मुझे यहाँ ले आए, अपनी बीवी बनाया, मैं खुश हूँ। लेकिन हमें मियाँ बीवी जैसा कुछ नहीं है, तो फिर आपने मुझे क्यों रखा हुआ है अपने साथ? तलाक दे दे, अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि छोड़ दिया मैंने उसे। ये नहीं हो सकता जोरा। अगर आपको लगता है कि आप मुझे पैसे और कारोबार से खरीद सकते हैं, तो खुद को धोखा दे रहे हैं आप फिकरत साहब।
क्या मर्ज के इलाज से पहले पता होता है कि मरीज ठीक होगा या नहीं? तो ये कैसे पता होगा? अम्मी, हम बाबा को नाश्ते पे बुला लें क्या? या उनकी सजा अभी तक खत्म नहीं हुई है? सजा खत्म होने भी नहीं चाहिए। खैर, देखते हैं। सईद, सुबह बखैर बेटा। सुबह बखैर अम्मी। बेटा इस वक्त यहाँ सोए नहीं क्या पूरी रात? मैं ठीक हूँ मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। आ जाओ बेटा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। चाय पियेंगे आप? हाँ, चाय भी पियूंगा, कुछ खाऊंगा भी। अम्मी अपना कप पास कीजिएगा मुझे। ये लो बेटा। बाबा का है? मिनी बस में। मिनी बस में है। उसकी वजह? हमारी कल रात बहस हो गई थी, जाने का कहा तो मिनी बस में सो गया है। तो हुआ क्या था? होना क्या था बेटा, वो मुझ पे बिला वजह रोब दिखा रहा था, इसलिए मैंने कहा चले जाओ, लेकिन बहुत ढीठे जाके मिनी बस में सो गया। अच्छा, सजा खत्म हुई तो बुला लें क्या उन्हें? ऐसा करो, ये नाश्ता उठाओ और वहीं मिनी बस में जाके दे दो उसे। अब क्या करूं, वहीं बैठा रहे तो अच्छा है। चाय भी दे दूं क्या? कोई जरूरत नहीं, अपना नाश्ता करो। क्या शामदेद फिकरत साहब। शुक्रिया ब्यास, खुश रहो। मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाऊं? बस थोड़ा सा लाइट सा कुछ ला के दे दो मुझे तुम। ठीक है साहब। क्योंकि ज्यादा भूख नहीं है जी मुझे। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है साहब। हाँ जोरा, तुम कल रात घर नहीं आई, सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो फिकरत साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा उनके साथ रुक जाती हूँ, लेकिन उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब्बार को भेजना भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, लेकिन अब तो मुझे बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ सही कहा तुमने। जोहरा, मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। बोलिए। आज गणेश का बर्थडे है, आदिल से बात हुई थी मेरी, हम सरप्राइज बर्थडे पार्टी रख रहे हैं, मतलब जगह और केक वगैरह सब कुछ, लेकिन पहले फिकरत साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर जाकिर को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। और अगर? इंशाल्लाह नहीं होगा कुछ। कल रात क्लब में लड़ाई हुई थी, पुलिस वगैरह भी आ गई थी और लड़कों को उठा कर ले गई थी, लेकिन इस बात से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ तो बात करूँगी फिकरत साहब से। बता दूंगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया जोहरा। बहुत शुक्रिया। चलती हूँ। शुक्रिया। फिकरत साहब आ रहे? जी हाँ। साहब कुछ और चाहिए क्या? नहीं शुक्रिया, ये बहुत है। ठीक है, लुत्फंदोज हूँ। फिकरत साहब, फिकरत एक बात बतानी है मुझे। बोलो। आपको पता है आज गणेश का बर्थडे है, तो सिरमा साहिबा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखना चाह रही हैं एक रेस्टोरेंट में आज रात। हम भी उर्कुब जा रहे हैं तो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी हम सबकी। इसी हवाले से मैं आपसे जाने की इजाजत लेना चाह रही थी। जोरा, क्या तुम भी पार्टी में जाना चाहती हो? हाँ।
वहाँ कौन कौन होगा? वहाँ मैं, सिरमा, गुनेश और बाकी सब करीबी लोग होंगे। क्या सईद भी वहाँ आएगा? नहीं, नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अली को अपने साथ लेके जाओ, एक आदमी का साथ जाना बेहतर होगा। ठीक है, जैसा आप कहें। शुक्रिया। क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। वो हॉस्पिटल में कोई मसला तो नहीं हुआ ना, क्योंकि फिक्रा साहब भी वहाँ मौजूद थे? तो ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, तुम नहीं जानते लेकिन आज गुनेश का बर्थडे है। सिरमा सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखना चाह रही है, तो हमें भी उसे सरप्राइज रखना है। उसे पता नहीं चलना चाहिए। वो मुझे फोन करेगी, जगह और वक्त का वो मुझे बता देगी, फिर हमें किसी तरह गुनेश को वहाँ लेकर जाना होगा। चलो अच्छा, तो क्या तुम अकेले जाओगे? हाँ, लेकिन अच्छा रहेगा अगर तुम भी आ जाओ और सारे घर वाले भी, जैसे रुवेदा भी आ जाए, अम्मी भी चलें, तो अच्छा लगेगा उसे। तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो ठीक है। मैं फिर सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ जाके। हाँ, लेकिन याद रखना कि ये सरप्राइज है। हाँ, सही सही है। हाँ, वैसे भी वो उर्गुप जा रही है तो बेटी से मिलना चाहती है जाते हुए। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। बस इसीलिए। चलो ठीक है, फिर मुझे बता देना। हाँ ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैंने एक बर्थडे ऑर्गेनाइज करने के लिए कॉल की थी। ठीक है, मैं अभी नोट कर लेता हूँ। पेन देना। वहां किससे बात करूं? ठीक है, मिस्टर हिल्मी होंगे। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है हिल्मी साहब जी, आगे बताइए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे। अब मिस्टर हिल्मी से बात कर लूं मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई गेस आप मिस्टर हिल्मी हैं। जी, मैंने एक बर्थडे ऑर्गेनाइज करने के लिए बात करनी थी। हाँ, मतलब हम लोग इतने ज्यादा नहीं हैं, बस केक और डिजर्ट वगैरह करवा दें। जी ठीक है। हाँ, और बाकी डिटेल्स मैं बाद में बताता हूँ। गाइड करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। हो गया? हो गया। बहुत शुक्रिया। गुनेश, गुनेश। हाँ बोले। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ? अरे मैं रास्ते में बता दूंगा तुम्हें, अभी तैयार हो जाओ। और हाँ, कुछ अच्छा सही पहनना क्योंकि हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, समझ गई? लेकिन एकदम से ऐसे मीटिंग? अरे मैं रास्ते में बता दूंगा, अभी तैयार हो जाओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जल्दी आना। अच्छा जी, सब तैयार हैं? हम तैयार हैं, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। मैं क्या करूँ, दूसरा ड्रेस पहन लूँ क्या? बाल भी नहीं बनाए मैंने ठीक से। ठीक लग रही हूँ क्या? अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। क्या सब अरेंज कर लिया तुमने? हाँ सब कुछ रेडी है, बस आप लोग चलने की तैयारी करें। चलो आए, चले आ जाओ। अभी जी दादा, इन सब का खास ख्याल रखना। ओके बेटा, ध्यान रखना। फिक्र नहीं करें आप, आए चले। जैसे ही अम्मी घर से बाहर आएंगी, अपने सॉरी कहेगा।
लेकिन वो बहुत गुस्से में है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। करना पड़ेगा बाबा, घर वापस जाने के लिए करना होगा। और इसके अलावा आपने जो उनसे ऑल फॉर बोला है आदिल के बारे में, वो सब कुछ आपको नहीं बोला चाहिए था। आपने सोच भी कैसे लिया था ये? बाबा क्यों किया ये? बाहर आ गई है वो, माफी मांग लीजिएगा। अम्मी बाबा को आपसे कुछ कहना था। तुमने ही कुछ कहा होगा है ना? आप बल्कि खुद ही सुन लें। जवेरिया मैं माफी चाहता हूं तुमसे। किस लिए? उन सारी बातों के लिए जो कल रात हमारे दरमियान हुई। अच्छा हो गया बस। सुनो जवेरिया, मैं अब जा सकता हूं घर में? हाँ जाओ, मर्जी है। फ्रिज से खाना निकाल कर गर्म कर लेना और सारे बर्तन भी धो देना। चलें बैठिए। कैसी लगी जगह? ये तो बहुत प्यारी जगह है बेटा। पसंद आई ना? हाँ। लाइट्स कितनी प्यारी है। म्यूजिक भी तुमने अरेंज किया है? जी मैंने अरेंज किया है। बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया क्या? वो लोग कब आएंगे? हाँ यही इंतजार करें, सब आ जाएं फिर चलते बैठते हैं। इंसान मैंने नहीं देखा। किस पे गुस्सा आ रहा है तुम्हें जाकिर? हाँ गुस्सा तो आ रहा है बाबा मुझे। क्लब में लड़ाई हो गई मेरी, एक बंदे ने तमाशा लगा दिया। अच्छा? हाँ बहुत लड़ाई हुई, और जब मसला सॉल्व हो गया तो उसके बाद पुलिस आ गई। यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि क्लब जाकर एंजॉय कैसे करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा चलेगा कैसे ये सब। वैसे हमें कस्टमर्स की हिस्ट्री का मालूम होना चाहिए क्लब में आने से पहले, क्योंकि इन डांसर्स की वजह से बहुत मसला होता है। बयास। जी साहब। मुझे कॉफी ला दो। जी अभी लाती हूँ। अली कहाँ है बाबा? नहीं है। इस वक्त कहाँ गया हुआ है? सिरमा और जोरा भी गई हैं। सिरमा और जोरा सब? हाँ वो किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं, मैंने ज्यादा नहीं पूछा, मुझे नहीं मालूम। वैसे भी मैं अखबार पढ़ रहा था और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ओके गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। शब खैर साहब। शब खैर ब्यास। ये यहाँ रख दूँ? हाँ वहाँ रख दो। लुत्फ अंदोज़ हो। ठीक है ठीक है। मिस्टर हिलमी, हिलमी, हिलमी साहब बात कर रहे हैं। आपसे बर्थडे के लिए
केक बनवाया था, तैयार है? ठीक है, लिखा क्या है उस पर? हैप्पी बर्थडे तो होता ही है। हाँ जी, वही वही, हैप्पी बर्थडे गणेश, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे गणेश। चलो जरा जल्दी चलना है। तुमने तो मुझसे कहा था जोरा कि सईद नहीं होगा वहां, बताओ और कितना धोखा दोगी मुझे तुम? अब सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है इन दोनों को उड़ाने के लिए। लगता है सही वक्त आ गया है जाकिर, ये किस्सा वाकई भी तमाम करना चाहिए। जोहरा और सईद पकड़े गए एक साथ।